गोंदिया भंडारा जिल्ह्याचे शिक्षण महर्षी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या स्वर्गीय मनोहरभाई पटेल यांच्या 118 जयंती आज साजरी करण्यात आली असून यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते खासदार प्रफुल्ल पटेल, गोंदिया शिक्षण संस्थेच्या अध्यक्षा वर्षा पटेल, माजी आमदार राजेंद्र जैन यांनी स्वर्गीय मनोहरभाई पटेल यांना आदरांजली वाहिली. दरवर्षी स्वर्गीय मनोहरभाई पटेल यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून गोंदिया भंडारा जिल्ह्यातील गुणवंत विद्यार्थी, खेळाडू, पत्रकार आणि विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या लोकांच्या या जयंती समारोहात सुवर्ण पदक देऊन सत्कार करण्यात येतो. मात्र यावर्षी हा सत्कार सोहळा 9 फेब्रुवारी ऐवजी 11 फेब्रुवारीला आयोजित करण्यात आला असून या कार्यक्रमाला माननीय उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, माननीय राज्यपाल रमेश बैश, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री हसन मुश्रीफ, पालकमंत्री धर्मराव बाबा आत्राम, खासदार प्रफुल्ल पटेल, गोंदिया शिक्षण संस्थेच्या अध्यक्षा वर्षा पटेल तसेच गोंदिया भंडारा जिल्ह्यातील इतर नेते मंडळी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा सत्कार सोहळा 11 फेब्रुवारीला आयोजित करण्यात आला असल्याची माहिती माजी आमदार राजेंद्र जैन यांनी दिली आहे. उनकी जयंती के अवसर पर हम ये बताते हुए हर्ष महसूस करते हैं कि जो उनकी रणनीति थी, जिस समाज सेवा के प्रति, शिक्षा के प्रति, समाज सेवा के साथ साथ शिक्षा के प्रति और सामान्य नागरिक के प्रति जो उनकी भावना थी, उस भावना को, उस सभी चीज़ों को आदरणीय प्रफुल्ल पटेल जी जो उनके पुत्र हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और उसी का फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति गोंदिया में आए. इसके जो भी प्रयत्न किए जा सकते थे, अच्छे से अच्छे प्रयत्न किए जा सकते थे, खासदार प्रफुल्ल पटेल जी ने की और 11 तारीख को उस मेडिकल कॉलेज का, जिसका पूरे गोंदिया जिले को इंतजार है, उसका हम भूमि पूजन करेंगे. 9 फरवरी को भूमि पूजन होना था लेकिन अब वो कार्यक्रम 11 फरवरी को इसलिए हो रहा है क्योंकि लोकसभा का सत्र एक दिन बढ़ गया, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को उस वजह से वहाँ रहना पड़ रहा था. तो हमने इस 9 तारीख को 11 तारीख इसलिए की और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित हो रहे हैं. ये सब हमारी उपलब्धियां हैं, ये हमारे लिए और जन सामान्य के नेता के रूप में, किसी पक्ष पार्टी से ऊपर उठ के जन सामान्य के नेता के रूप में एक मनोहर भाई ने पूरे महाराष्ट्र में अपनी छाप छोड़ी, वो हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायी है, हम सब लोगों के लिए एक ऊर्जा का स्रोत है. हम ज़रूर उनके पद चिन्हों पर चलेंगे और मैं गोंदिया शिक्षण संस्था का सचिव और आदरणीय वर्षा पटेल जो अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में हम उनके गोंदिया शिक्षण संस्था के पौधे को हर दिन बड़ा करने की कोशिश करते हैं. पूरे इस जिले की, दोनों जिले की जनता, सामान्य व्यक्ति, सामान्य नागरिकों के लिए जितना अच्छा शिक्षा में काम कर सकेंगे, जितना अच्छा समाज सेवा में काम कर सकेंगे, मनोहर भाई पटेल अकेडमी के नाम से और गोंदिया शिक्षण संस्था के नाम से जितना अच्छा हम कार्य करेंगे, उतनी ही उनके चरणों में हमारी विनम्र अभिवादन होगा. पुनश्च हम सब लोग उपस्थित हुए, हमारे शहर के अध्यक्ष नानू मुदियार जी ने एक बड़े अच्छे तरीके से इस बार इस कार्यक्रम को एक सार्वजनिक रूप से यहाँ पर रखा, जिस नगर परिषद में और जिस नगर परिषद में उन्होंने कार्य किया और जिस नगर परिषद को सुशासन के साथ कार्य किया, ऐसे आदरणीय बाबूजी स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल के चरणों में हम सभी लोग अभिवादन करते हैं, विनम्र अभिवादन करते हैं और हमेशा उनकी, उनके सपनों को आगे बढ़ाने का जरूर कार्य करेंगे. यही उनके चरणों में हमारा सही अभिवादन होगा.